गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी उन्हीं क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन में लिखा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द LCM 306 एंड 657। तो इसका सॉल्यूशन रहता है HCF जो गिवन है वो लिख लेंगे। HCF है हमारे पास 306657 इक्वल्स टू 9, एंड हमें फॉर्मूला पता है पहले ही, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो अब हम LCM लिखेंगे और HCF की वैल्यू 9 पुट करेंगे 657। LCM इधर 306657 अपॉन 9 कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 का टेबल दोबारा से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 मल्टीप्लाई 657। तो मल्टीप्लाई किया, तो 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, और 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 जा 21 2 15 16 और 17, 1 कैरी 18 और 19, 8 3 13, ये आंसर आ गया, आंसर है 2 2 3 3 8। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, उन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n, चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें ऐसे डिजिट चेक करने हैं जो नेचुरल नंबर n रहे। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सिंपल सा और स्मॉल सा रहेगा। तो 6 रेस्ट पावर n के मल्टीपल्स बनते हैं ये, तो हम इनको लिख सकते हैं क्या, 2 रेस्ट पावर n, 3 रेस्ट पावर n, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि 0 डिजिट सिंगल डिजिट वाले नंबर्स कहाँ कहाँ तक होते हैं और किस किस से ये डिवाइड करेंगे। तो 2 रेस्ट पावर n और 3 रेस्ट पावर n, इनमें ऑब्जर्व किया करेंगे हम कि जो डिजिट आएंगे, जैसे कि 10 आया, 0 वाला कौन सा आया, 10, जिसके यूनिट पे 10 हो, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो सिर्फ 2 और 5 का लगता है, इसका लगता है 2 और 5 का। तो अब 0 वाले डिजिट ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 5 से ही भाग करेंगे, पर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि 6 रेस्ट पावर n कैन
एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। तो ऐसे डिजिट चेक करने हैं जिनके सिक्स रेस्ट पावर एन के बारे में। तो हमें तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो फाइव एक प्राइम नंबर है वो सिक्स रेस्ट पावर एन को बिलोंग करता है। तो लास्ट में लिखेंगे देयर फॉर सिक्स रेस्ट पावर एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो सिक्स भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि भाई हमें कंपोजिट नंबर निकालना है। तो हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं पहले। एक्सप्लेन वाई सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फोर थ्री टू वन प्लस फाइव आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें निकालना है कंपोजिट नंबर। तो पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो नंबर दो टाइप्स के प्राइम और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर जो डिवाइड करें वन और इटसेल्फ अ नंबर, और कंपोजिट जिनके मोर देन वन फैक्टर हो और इटसेल्फ वो अपने आप भी एक फैक्टर रहे। तो हम इसी से ही स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन प्लस थर्टीन, तो इसी के इक्वल टू में आ गया थर्टीन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई इलेवन प्लस वन। हमने थर्टीन कॉमन कर लिया, थर्टीन मल्टीप्लाई सेवेंटी सेवन प्लस वन, तो थर्टीन मल्टीप्लाई सेवेंटी एट। तो थर्टीन को सेवेंटी एट को ब्रेक किया 68। तो हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है। इसमें प्राइम नंबर भी हैं और इसके दो या दो से ज़्यादा वो वन या इटसेल्फ मोर देन वन एंड इटसेल्फ नंबर्स भी फैक्टर बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर। अब जो सेकंड वाला दूसरा चेक करते हैं, सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फोर थ्री टू वन मल्टीप्लाई प्लस फाइव था। तो हमने फाइव कॉमन निकाला, सेवन सिक्स फोर थ्री टू वन प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई किया। तो सेवन को सिक्स से किया तो फोर्टी टू, फोर को थ्री से किया ट्वेल्व, और चलो यही लिखते फोर्टी टू ट्वेल्व टू मल्टीप्लाई वन प्लस वन। सॉल्व कर लेते हैं, फोर्टी टू मल्टीप्लाई ट्वेल्व फोर एट, टू टू या फोर, फोर टू जार एट टू फोर फोर टेन फाइव टू से एट ज़ीरो टेन। तो वन ज़ीरो ज़ीरो एट प्लस वन फाइव मल्टीप्लाई वन ज़ीरो ज़ीरो नाइन। तो अब वन ज़ीरो ज़ीरो नाइन के फैक्टराइजेशन नहीं होते। वन ज़ीरो ज़ीरो नाइन कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो इसी से हमें पता लगता है कि दूसरे वाला पार्ट कंपोजिट नंबर नहीं था।
सॉरी दूसरे से फैक्टराइजेशन नहीं था, तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, अब ये नंबर अपने आप और इटसेल्फ ही है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये नंबर क्या है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, और तो इसमें लास्ट में ये कंपोजिट नंबर है, जैसे एक नंबर और ये अपने आप है तो ये कंपोजिट नंबर है, प्रूफ कर दिया हमने। ओके इसी के साथ इसका नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन लिखा है, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स ड्राइव टू वन राउंड। तो सोनिया ने कितने मिनट्स लिए, हम सीधा सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ मैं। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए और रवि ने टेक किए 12 मिनट्स, और अब पूछा सपोज दे बोथ एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स मीट एट द स्टार्टिंग। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन मीट का है, जैसे दो टाइम दिए और उनको बाद में मिलाना है, तो हम सिंपली एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो सिंपल मेथड से करते हैं 12 18, तो 2 × 3 × 3 12 × 2 × 3, तो एलसीएम आ गया, एलसीएम रहेगा 2 × 2 × 3 × 3 और 2 × 4 4 × 12 36, वो 36 मिनट पे मिलेंगे। और इसको एलसीएम करने का इसका सिंपल और सबसे अच्छा तरीका ये भी रहता है, 2 × 9 6 2 × 9 3 3 × 3 9 3 एंड 3 1 1। ठीक है, ओके, थैंक यू।